हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर कारपेंटर का काम चल रहा था, पेंटर का काम चल रहा था और पीओपी का तो ख़त्म ही हो गया है, आप लोगों को तो पता ही है। बस अभी दोनों का ही काम चल रहा है। तो यहाँ पर वो बना रहे थे, कारपेंटर बना रहे थे मीटर का बॉक्स। मीटर का सबसे लास्ट बनता है क्योंकि वो टुकड़े तकड़े जोड़ के थोड़ा सा वो बना देते हैं अच्छे से, बट बहुत अच्छा बना था यार। वही वो बना रहे हैं मीटर का बॉक्स। और एक्चुअली ना कुछ भी सामान बचा नहीं था, मतलब टुकड़े टुकड़े ही बचे थे, तो उसी को जोड़ के वो मीटर का बॉक्स बना रहे हैं। और बहुत अच्छा बना था, जोड़ जाड़ के भी ही बनाया था उन्होंने, फिर भी बहुत अच्छा बना था। और वो तो मैं आपको लास्ट में, मतलब बाद में दिखा दूँगी, एक्चुअली दिखाना भूल गई हूँ मैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखा दूंगी वो वाला बॉक्स, मतलब टुकड़े जोड़ के भी कितना अच्छा हो सकता है वो दिखा दूंगी आपको। यहाँ पर पेंटर का काम चल रहा है, तो ये पीओपी का सीलिंग से लेके वो स्टार्ट किया है उन्होंने। सीलिंग पहले किया, फिर उसके बाद वॉल की उन्होंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीलिंग कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अंदर से इस तरह से वो ग्रीन कलर लिया है जो मेरे ट्रॉलीज में है, और जो ऑफ वाइट कलर है वो मैंने पूरा वॉल का लगाया है, उसकी वजह से इतनी सुंदर लग रही है। पहले ही सुंदर लगती थी मेरी किचन, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती थी। किसी को अच्छे लगती हो या नहीं लगती हो मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत अच्छी लगती थी मेरी किचन, और मेरी मैंने अपने हिसाब से बनवाई है ना, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है, और भी ज़्यादा अच्छी बन गई है वो। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने एक्चुअली मिक्सी या उसके लिए बनाया है। मिक्सी तो नहीं रखूँगी मैं उस पर, वही रखूँगी अपना टोस्टर रखूँगी, तो टोस्टर के लिए मैंने बनाया है, या ऐसे ही मैं हॉटकेस वगैरह रख सकती हूँ उस पर, तो इसीलिए मैंने वो बनवा लिया है। और ये जो शेल्फ बन रही है वो एक्स्ट्रा शेल्फ बन रही है। तो ये किस चीज़ की बन रही है वो भी मैं आपको बता दूँ, कि ऊपर जो वो थे सज्जे को पैक किया था, वो पीओपी बनने के बाद ना वो छोटा हो गया है, मतलब अभी आप देख सकते हो उसकी साइज़ बहुत छोटी है, पहले कैसी थी एकदम बड़ी सी थी, तो अभी उसकी साइज़ छोटी हो गई ना, तो उसको काट लिया था उन्होंने कारपेंटर ने, और उसके बाद ये बनाया है, मतलब उसका ही काट काट के ये मतलब उसके टुकड़े जो बचे हुए थे वो साइड में रख दिए थे, उसके बाद मैंने उनको वो शेल्फ बनाने के लिए बोला है, क्योंकि उसमें मेरा मिक्सी भी रह जाएगा, उसमें छोटे मोटे सामान भी रह जाएंगे, और वहाँ पर मैंने उनको बोर्ड बनाने के लिए बोला था, तो वो बोर्ड में वो लग जाएगा मिक्सी, तो इसी वजह से। और यहाँ पर वो बर्तन साफ़ करने वाली दीदी भी आ गई थी, वो बर्तन क्लीन कर रही है, ट्रॉलीज वॉलीज निकाल के दी है मैंने उनको, निकाल ली थी उनसे, और ये ट्रॉलीज भी वो क्लीन करके देगी, और उसके अंदर का सामान भी क्लीन करके देंगे। और मेरे घर के बर्तन क्लीन करने का काम ऐसा था ना कि एक दिन का नहीं था, मतलब जैसे जैसे वो हो रहा था, मतलब वहाँ का जो जो साफ़ हो रहा था, वहाँ की चीज़ें मैं उनको निकाल के दे रही थी, तो ऐसा एक दिन का काम नहीं था, इसी वजह से वो डेली आ रही है क्लीन करने के लिए थोड़ा थोड़ा। और ये अभी आएगी बाद में, मतलब उनको महीने का लगा दिया है मैंने, तो वो बाद में भी आएगी क्लीन करने के लिए बर्तन। तो यहाँ पर वो वही क्लीन कर रही है, ट्रॉलीज वॉलीज क्लीन हो गई है, मेरी लग भी गई है अभी ट्रॉलीज भी, तो ये सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये मैंने लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि जो किचन का कलर था वो बाकी था, इसी वजह से इस पर छींटे वीटे गिरते, तो इसीलिए मैंने ये लास्ट में काम रखा था। तो ये मैंने ट्रॉलीज उनको निकाल के दे दी थी, वो साफ़ करके वहीं पर रखेगी, उसके बाद मैं निकाल के लगा के मतलब ये लोग जाने के बाद लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं बेडरूम का हाल भी दिखा देती हूँ आपको। तो इस पर डबल कोट अभी तक नहीं लगा है, मतलब जब मैं एडिट कर रही हूँ तब लग गया है डबल कोट, उसके बाद और एक गोल्डन कलर आएगा, उसके बाद अच्छा लगेगा ये कलर। आपको ये कलर वैसे अच्छा नहीं लगा है, तो डबल कोट आने के बाद अच्छा लग रहा है अभी, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा वो, तो नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना। और उसके ऊपर एक और कलर लगने वाला है ना, तो उसके बाद अच्छा लगेगा, बट मेरा कैसा था कि मेरे कर्टन्स वगैरह अलग कलर के थे, और अभी मुझे कर्टन्स का भी खर्चा बढ़ गया है मेरा, कर्टन्स मुझे अलग लेने पड़ेंगे, और बाकी चीज़ें भी बेडशीट वगैरह अलग कलर की लेनी पड़ेगी, इसी वजह से मैंने वो मैजेंटा कलर चूज़ किया था। तो मैजेंटा कलर का तो कुछ मतलब थोड़ा सा अलग ही हो गया है। यहाँ पर एक मिरर लगेगा, और मिरर के ऊपर ना वो लैम्प लगेगा, तो इसी वजह से वो लैम्प के लिए वो बना रहे हैं, मैं बाद में आपको लास्ट में क्लिप दिखा दूँगी कि कैसा बनाया है। तो यहाँ पर ना उसके लिए बना रहे हैं, और जो लैम्प लगेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा लैम्प लगने वाला है। तो ये जो लैम्प मैंने यहाँ पर रखा है, जो हॉल में लगा था, मतलब आपको पता होगा पिछले साल मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था ये, अगर आपको लिंक चाहिए हो तो मैं दे दूँगी अमेज़ॉन की इसकी। तो मैंने ये दो लिए हैं, तो एक उधर वाले बेसिन में लगेगा और ये इधर वाले बेसिन में लगेगा। पहले ये लिविंग रूम में लगे थे मेरे, तो ये लिविंग रूम से हम लोगों ने निकाल लिए है, और ये अभी बेसिन के ऊपर लगेंगे। तो यहाँ पर ये शेल्फ का भी काम हो गया है, अभी इसको ना वही मैग्नेट वगैरह ही लगा रहे थे, तो मैग्नेट वगैरह लगने के बाद सारा मतलब यहाँ का काम हो जाएगा। अभी यहाँ पर ना टीवी यूनिट में एक ग्लास लगने वाला है नीचे,
थोड़ा सा सेटअप बॉक्स वगैरह के लिए, और ये भी मेरा सिल्वर प्ले बटन वाला। आप लोगों ने बहुत अच्छे से गेस किया यार, मुझे लगा भी नहीं था कि आप गेस कर पाओगे। मतलब मुझे कुछ कुछ लोगों का लगा था गेस कर पाएंगे, बट सभी लोगों ने गेस किया कि ये सिल्वर प्ले बटन के लिए ही बनाया है, और सच में मैंने ये सिल्वर प्ले बटन के लिए ही बनाया है। हर यूट्यूबर का ड्रीम होता है सिल्वर प्ले बटन, और जब सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा ना मेरे हाथ में तो मेरा ड्रीम कम्प्लीट हो जाएगा। बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ सिल्वर प्ले बटन का, जब मिलेगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 5:45 और मैं जा रही हूँ श्रद्धा के साथ डीमार्ट। एक्चुअली अभी थोड़ी सी छोटी मोटी सी चीज़ लेनी है, कल उनके साथ जाऊँगी। एक्चुअली आज उसका ऐसे ही कॉल आया, तो उसको थोड़ा सा सामान लेना था, तो बोली चलोगी क्या साथ में, तो मैंने बोला चलो चलते हैं। तो इसी वजह से मैं आज थोड़ा सा सामान लेके आती हूँ अपने लिए भी, बाकी की ग्रोसरी जो होगी वो बाद में लेके आऊँगी, कल लेके आऊँगी। और आज ना उन्होंने यहाँ के जो पाइप है ये ऊपर इस तरह से ये है, तो यहाँ के पाइप का कलर मारा है, तो पहले उसकी घिसाई हुई है, घिसाई होने के बाद उसके बाद उसका कलर मारा है उन्होंने। और मैं ना यही ड्रेस पहन के जा रही हूँ, मुझे बहुत जान पे आ रहा है अभी चेंज वगैरह करना, तो इसीलिए ऐसी रेडी हो गई थी जल्दी से। मैंने सोचा चलो जल्दी से जाके आ जाती हूँ, फिर घर पे भी देखना है, वो लोग अभी भी कलरिंग कर ही रहे हैं नीचे किचन में, आज कलर होगा, उसके बाद मुझे सफाई करनी है, साफ सफाई होगी आज, तो वही होने वाला है, इसलिए जल्दी से जाके आ जाती हूँ। वहाँ पे जो भी लूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। आज ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ही सामान लेने वाली हूँ मैं, उधर से आने के बाद तो मुझे सफाई में ही लगना है, तो आज अगर वो किचन पूरा कम्प्लीट करके देते हैं तो मुझे आज सफाई करनी है पूरी किचन की, आज साफ सफाई होंगी। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे डीमार्ट, और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ है यार दिवाली की वजह से डीमार्ट में, कि आपको क्या बताओ। मतलब इतना सा सामान लेने के लिए इतना टाइम लग रहा है, थोड़ा सा ही सामान लिया था मैंने आज, ज़्यादा सामान भी नहीं लिया था। मतलब मुझे पूरी ग्रॉसरी शॉपिंग ही करनी थी इनके साथ, बट श्रद्धा को आना था इसी वजह से उसके साथ आना था मुझे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सामान ले ही लेते हैं, क्योंकि हो ही जाता है ना, हम लोग जब देखते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से हम लोग मैंने कुछ सामान ले लिया था, तो वो मैं साथ में ही शेयर करूँगी आपके। जब मैं पूरा सामान लूँगी तब ये वाला भी सामान आपके साथ उसी टाइम शेयर करूँगी। बट आप देख सकते हो पूरा डीमार्ट भर गया था, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है, और इसके बाद भी और भी ज़्यादा भीड़ होने वाली है, अभी देखना आप। यहाँ पर मतलब हम लोगों ने सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं वो लोग, बट सोशल डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंस का ध्यान यहाँ पर कहाँ पे रख पाएंगे यार, इतनी भीड़ में कौन सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोती साबन ओट्स वगैरह कुछ लिए हैं, ऐसे ही सामान लिया था, मतलब ट्रॉली नहीं ली थी मैंने, ऐसी बास्केट ली थी, और बस थोड़ा थोड़ा सा सामान लिया था, तो जो जो चीज़ें मुझे अभी अर्जेंट थी तो वो चीज़ें मैंने ले ली थी, और बस उसके बाद मैंने श्रद्धा की शॉपिंग में हेल्प की थी। तो यहाँ पर बस यही हो रहा है, और अभी आ गए हैं घर पे, तो वो कारपेंटर वगैरह चले गए थे, पेंटर भी चले गए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला कुछ इस तरह से बना है, रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है ये, मतलब उसके बाद, और इसके नीचे ना ग्लास आएगा, मिरर आएगा, और उसके बाद नीचे तो वो टेबल टॉप है, तो इसी वजह से उसके बाद वो बेसिन के ऊपर ग्लास आएगा, और उसके अंदर वो स्टोन्स वगैरह आएंगे, तो आपको फाइनल लुक देखने के बाद आपको पता चली जाएगा कि कैसा है ये, कैसा बनने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ये बन गया है ऊपर का, और इसके बाद हम लोग क्लीनिंग करने के लिए लग गए थे दोनों भी, मतलब हस्बैंड वाइफ, तो यहाँ पर चिमनी वगैरह क्लीन कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कलर हो गया है, और उसके बाद वो विंडो वगैरह क्लीन कर रहे हैं, मैं यहाँ पर चिमनी क्लीन कर रही हूँ, ये चिमनी के ऊपर का है ढक्कन, तो यही मैं क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर विंडो पे ना छींटे गिरे थे उसके क्या बोलते हैं पेंट के, तो वो तो उन्होंने वो से निकाल दिए थे कुछ, और बस जो ग्लास वास है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जमा हो गई थी, तो वही वो क्लीन कर रहे हैं, और आप देख सकते हो मेरी किचन की हालत क्या हो गई है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है यार। और ये जो शेल्फ बनाई है ये इस तरह से बनाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये देखिए आप कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है घर, मतलब पूरा किचन आप मेसी हो गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादा के काम कर रहा है आदमी, और वो जो शेल्फ बनाई है ना वो कुछ उस तरह से बनाई है, मतलब वो जो टुकड़े बचे थे उसके ऊपर के काटे थे तो वो उसकी वो शेल्फ बनाई है, और यहाँ पर मेरा स्टोर रूम भी कुछ इस तरह से लग रहा है। अभी मैंने क्लीन कर लिया है, आपको स्टोर रूम का लुक अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से मेरा स्टोर रूम लगने वाला है, तो स्टोर रूम भी क्लीन हो गया है, अभी क्लीन हो चुका है तो वो बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये कुछ इस तरह से बनी है शेल्फ, तो ये भी बहुत सुंदर लग रही है, अभी स्टोरेज के लिए और भी ज़्यादा जगह बढ़ गई है मेरे किचन में।
चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इसके साथ इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलेगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।